नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है उसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट 24, यानी कि पार्ट 24 हम पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपने जो चैनल है मतलब सरकार स्टडी वेव्स एजुकेशन उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार जो है आपका जो रेड निशान है वो हट जाएगा और उसके साथ में आप बेल आइकन क्लिक करोगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आप मोबाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से जो चैनल खोलोगे तो यहाँ वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगी, ये देखिए, या फिर यहाँ आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगी तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह जो है संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये जो है जो क्वेश्चन है मतलब इसमें जो राजा मानसिंह तोमर है मतलब इनके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ये की गई थी 2008 में और कहां की गई थी, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ग्वालियर है, ग्वालियर जिला है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां देखिए जो गुजरी महल है, गुजरी महल भी किसके द्वारा बनवाया गया था, राजा मानसिंह के द्वारा भी बनवाया गया था गुजरी महल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज कौशिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ये जो है किस नेशनल पार्क के अंदर है। देखिए ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही एक जो है नेशनल पार्क इसके अंतर्गत स्थित है, तो ये किसके अंतर्गत है, माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ए इसका राइट आंसर, यानी कि जो जॉर्ज कौशिल है वो कहां पे है, ये माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत है। यहां जैसे हम देखें तो जो माधव नेशनल पार्क है वो ग्वालियर संभाग के शिवपुरी जिले में स्थित है, कहां पे है, शिवपुरी। और शिवपुरी आपको पता होगा, देखिए हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप है इस प्रकार से कुछ है, ये देखिए, तो शिवपुरी यहां पे मिलेगा आपको, एक तो उत्तर प्रदेश से भी टच करता है उसकी बॉर्डर को और एक राजस्थान से भी, और यहां पे शिवपुरी आपको नजर आएगा। इसके अलावा शिवपुरी में करेरा वर्ल्ड सेंचुरी भी है जो कि सोन चिरैया के लिए यहां पे फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए प्रथम भारतीय महिला, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, तो इसका जो राइट आंसर है आईसीसी का मतलब आईसीसी क्रिकेट के विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये जो है थिरुस कामिनी है। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखे थे, देखिए जो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान है वो शांतरंग स्वामी थी, और दोहरा शतक लगाने वाली टेस्ट क्रिकेट में पहली भारतीय महिला ये मिताली राज है, और थिरुस कामिनी बारे में हमने देखे ये क्या है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में ये शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला, और 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला ये डायना इडलजी है, और प्रथम भारतीय महिला कमेंटेटर जो है क्रिकेट कमेंटेटर वो चंद्र नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें खाता राशि को कितने वर्षों तक जमा किया जा सकता है, मतलब जो योजना में जो है राशि को कितने वर्षों तक यहाँ जमा किया जा सकता है, तो यहाँ जमा किया जा सकता है 14 वर्ष तक, ठीक है, 14 वर्ष तक इसे जमा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है, ए मतलब 14 वर्ष तक जो है सुकन्या समृद्धि योजना में खाता में राशि को जमा किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ देखिए जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अल्प बचत यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य क्या है, माता पिता को बालिका के विवाह और उच्च शिक्षा के लिए व्यय राशि उपलब्ध कराना, और इस योजना के तहत खाते में 14 वर्ष की अवधि के लिए राशि को जमा किया जाता है और इस पर 8.1 यानी कि 8.1% ब्याज देय होता है जो जमा राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा के रूप में नामित किया गया है, तो यह किया गया है उड़ीसा, उड़ीसा के एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है झारसुगड़ा हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा के रूप में यहाँ नामांकित कर दिया गया है। अब जो वीर सुरेंद्र थे वो कौन थे, वीर सुरेंद्र थे स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता थे जो कि संबलपुर यानी कि अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, मतलब उड़ीसा के अंतर्गत है ये छोटे से शहर में यानी कि खेड़ा में 1809 में ये पैदा हुए थे, तो इन्हीं के नाम पर ये जो है झारसुगड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है, वीर सुरेंद्र साई जो है हवाई अड्डा नाम इसका रखा गया है। और 2 नवंबर 2018 को केंद्र सरकार ने यहाँ उड़ीसा में जो हवाई अड्डा है इसका नाम ये बदल दिया था, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा 210 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राज्य से 75 करोड़ के योगदान के साथ हवाई अड्डे को भारतीय हवाई अड्डा यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने विकसित किया था किया है। और ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसी की 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की सूची में शामिल भारत की एकमात्र फिल्म कौन सी है? तो एकमात्र फिल्म कौन सी है? ये पाथेर पंचाली है, जो कि 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की सूची में शामिल है बीसीसी की। अब यहाँ देखिए तो वर्ष 1955 में रिलीज भारत की फिल्म जो है ये 1955 में रिलीज हुई थी, कौन सी? पाथेर पंचाली। ये जो है बीसीसी की 100 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है इनको। और बंगाली भाषा की नाटक फिल्म है, इसका निर्देशन सत्यजीत राय ने एवं निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार ने किया था। यह फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के पाथेर पंचाली नामक उपन्यास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उच्च स्तरीय समिति जिसकी सिफारिश द्वारा सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की गई है, तो यह कौन सी समिति है, मतलब जिसकी सिफारिश पर सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना की गई है? यह है YM देवस्थली, इसका राइट आंसर है। अब यहाँ देखिए तो जो 7 जून 2018 उसको भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने व्यक्तियों और कॉरपोरेट उधारकर्ताओं की ऋण की जानकारी के भंडारण हेतु एक सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना करने की घोषणा की। और इसकी जो है मतलब जो क्रेडिट रजिस्ट्री है उसकी बाय एम देवस्थली की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना, मतलब इसको स्थापित किया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक इस क्रेडिट रजिस्ट्री के माध्यम से खराब जो उधारकर्ता है और साथ में अच्छे उधारकर्ता है दोनों के बीच में एक अंतर और उसके अनुसार ब्याज दरों की पेशकश भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आम रिसर्च सेंटर जो गोविंदगढ़ है इनमें से किस जिले में है? देखिए गोविंदगढ़ जो है आम रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ये रीवा जिले में है। इसके अलावा कुछ अन्य रिसर्च सेंटर भी अगर देखें हम तो देखिए गेहूं का जो है कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। अंगूर का अगर बात करें हम तो कहाँ पे है, रतलाम में है। और बहुत सारे ऐसे है जो अलग अलग है, मतलब बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी रिसर्च सेंटर है। तो मुख्य रूप से हमने देखे क्या है, आम रिसर्च सेंटर गोविंदगढ़ कहाँ पे है, ये रीवा के अंतर्गत है। यहाँ देखिए रीवा में ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम में है। इसके अलावा अलसी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये रीवा के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है कौन सा जिला? ये जाना जाता है सिंगरौली, और सिंगरौली में भी कहाँ पे है, ये बेढ़न में, ठीक है, ये बेढ़न में जो है सिंगरौली के, ये जाना जाता है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट के लिए। और सिंगरौली हमारा क्या है, सबसे पूर्वी जिला है, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला उसे, या पूर्व का द्वार उसे बोला जाता है। और बेढ़न की अगर बात करें तो बेढ़न में जिला कलेक्ट्रेट भी है सिंगरौली के अंतर्गत, और सिंगरौली से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, देशांतर जो होता है 82.5 डिग्री, वो कहां से गुजरता है, सिंगरौली के अंतर्गत से गुजरता है। मारा की जो गुफा है वो भी कहां पे है, सिंगरौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य चलती है? देखिए हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ है रेलगाड़ियों पे, मतलब विभिन्न रेलगाड़ी जो अन्य भारत और अन्य देशों के मध्य चलाई जाती है, उसको आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे तो। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसे, अभी 1-2 दिन हुए हैं उसको अपलोड किए। तो इसके पहले हमने 2 रेलगाड़ी और पढ़े थे, कौन कौन सी, एक तो थार एक्सप्रेस थी और एक थी समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, और अभी हमारे सामने है मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस चलाई जाती है किसके मध्य, ये बांग्लादेश के मध्य चलाई जाती है, ठीक है, हमने पाकिस्तान के मध्य देखे थे, और इसका राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के मध्य एक और चलाई जाती है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। और मैत्री एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये जो है 14 अप्रैल 2008 से शुरू हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका एवं भारतीय राज्य जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता से आपस में कनेक्ट होती है। यह दोनों देशों के शहरों के बीच रेलवे की एकमात्र कड़ी है, और 43 साल के लिए बंद रहने के बाद इसे पुनः चालू किया गया है। इस ट्रेन का नाम मैत्री क्यों है, क्योंकि दोनों देश के बीच में यह दोस्ती को बढ़ाने के लिए इसका नाम मैत्री रखा गया है। और इस रेल सेवा का उद्घाटन बंगाली नववर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया था 14 अप्रैल 2008 को। बंधन एक्सप्रेस कब शुरू हुई, ये नवंबर 2017 में, कहां से कहां तक, खुलना से कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, खुलना जो है बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में ये स्टार्ट हुई है 2017 नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों? क्योंकि यहां देखिए हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, देखिए इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह बारामासी नदी नहीं है। तो ये तीनों जो है ये गलत है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है इसमें दामोदर नदी में, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ देखिए दामोदर जो नदी है जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना भी चलाई
जाती है। तो ये तो था हमारा आज का पार्ट, कौन सा, पार्ट नंबर 24। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। साथ में इस आइकॉन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकॉन पे सब्सक्राइब बटन के साइड में, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।